गुरुवन बच्चों, आप सब लोगों का हमारे चैनल SCC एजुकेशन दहियाओं में स्वागत है। मैं रघुवीर पटेल। आज हम आप सब लोगों को कक्षा 12 भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स के अध्याय 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता अध्याय को हम लोग समझेंगे। तो देखो बच्चों, इस अध्याय में हमको दो टॉपिक पढ़ना है, एक तो स्थिर वैद्युत विभव और दूसरी टॉपिक का नाम है धारिता। तो हम लोग आज शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक से जिसका नाम है विद्युत विभव। विद्युत विभव, तो परिभाषा जो हमारी बनेगी, विद्युत विभव एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव एक अदिश राशि है। अब हम लोग समझते हैं कि जैसे AB हमारा एक विद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत क्षेत्र से अनंत दूरी पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा गया है। अब इस परीक्षण आवेश को ऐसे इस विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर, अब चाहे वो ये बिंदु हो, ये बिंदु हो, ये बिंदु हो, या तो या ये बिंदु हो या फिर ये बिंदु हो, इस विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर लाने में जो कार्य किया जाता है उसे ही हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। तो एक बार पुनः हम लोग देखते हैं कि एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। तो AB हमारा एक विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र से अनंत दूरी पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा गया है। इस Q0 को AB के किसी बिंदु पर लाने में जो कार्य करना पड़ेगा उसे ही हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। अब चलो हम लोग थोड़ा से फार्मूले को अप्लाई करते हैं परिभाषा के अनुसार। तो हम लोग चलते हैं परिभाषा के अनुसार, फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो फार्मूला अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो आप देखो, बताया गया कि एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे ही विद्युत विभव कहते हैं। तो अर्थात हम ये कहेंगे कह सकते हैं विद्युत विभव बराबर कार्य बटे परीक्षण आवेश। अब आप लोग जानते हो विद्युत विभव का जो प्रतीक होता है वो होता है V, और कार्य का जो प्रतीक होता है वो होता है W, और परीक्षण आवेश का जो प्रतीक होता है वो अभी आपको बताया गया Q0। तो फार्मूला जो हमारे पास बन के आया वो फार्मूला बन के आया V बराबर W अपान Q0। तो फार्मूला हमको पता हो गया कि विद्युत विभव बराबर सूत्र होता है कार्य बटे परीक्षण आवेश, या हम ये कह सकते हैं V बराबर W अपान Q0। अब हम लोग बात करते हैं विद्युत विभव का मात्रक। अगर हमको विद्युत विभव का मात्रक पता करना है तो पहले हमको किसका मात्रक पता होना चाहिए, कार्य का मात्रक। उसके बाद किसका मात्रक पता होना चाहिए, आवेश का मात्रक। तो हम लोग पता करते हैं कार्य का मात्रक। हम लोग जानते हैं बच्चों क्या होता है, कार्य का मात्रक जो होता है वो जूल होता है और आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है। तो अर्थात जो मात्रक बन के आया आप लोग जानते हो बटा हटा, अगर बटा को हटाएंगे तो प्रति को लगाएंगे, अर्थात जूल प्रति कूलाम।
अर्थात विद्युत विभव का जो मात्रक होता है वो जूल प्रति कूलम। लेकिन एसआई पद्धति में विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। वोल्ट होता है। अब ये वोल्ट कहां से आया? इसी जूल प्रति कूलाम को ही वोल्ट कहता है। एक जूल प्रति कूलाम बराबर एक वोल्ट होता है। तो एक वैज्ञानिक थे अलेसांद्रो वोल्टा। अलेसांद्रो वोल्टा के नाम को याद करने के लिए इस जूल प्रति कूलाम को ही वोल्ट कहा जाता है, अर्थात आवेश का जो मात्रक, विद्युत विभव का जो मात्रक होता है वो जूल प्रति कूलाम होता है। इसी जूल प्रति कूलाम को ही वोल्ट कहा जाता है, अर्थात एक जूल प्रति कूलाम बराबर एक वोल्ट। तो आपको बताया गया कि वोल्ट किसके नाम से लिया गया, अलेसांद्रो वोल्टा। अब हम लोग बात करते हैं विद्युत विभव के विमीय सूत्र की। तो हम लोग चलते हैं, विमीय सूत्र कैसे पता होगा इसको हम लोग ट्राई करते हैं। विद्युत विभव का विमीय सूत्र तो हम लोग पता करते हैं। अभी जैसे देखो भैया, अभी आपको बताया गया V बराबर W अपान क्यू नॉट। तो अगर हमको विद्युत विभव का विमीय सूत्र ज्ञात करना है तो कार्य का विमीय सूत्र और आवेश का विमीय सूत्र दोनों पता होना चाहिए। तो अगर हमको ये मान लो, अगर ये पता है, जैसे विमीय सूत्र होता क्या है, इसका विमीय सूत्र होता है एम एल टू टी माइनस थ्री ए इनवर्स। जो इसका विमीय सूत्र होता है एम एल टू टी माइनस थ्री ए इनवर्स होता है। अब ये आया कहां से, अब हम लोग इसको पता करते हैं कि ये विमीय सूत्र कहां से आया। तो हम लोग जानते हैं बच्चों कि अगर कार्य का विमा पता हो जाए और आवेश का विमा पता हो जाए तो दोनों के विमा के माध्यम से हम लोग विद्युत विभव की विमा निकाल लेंगे। पहले हम लोग कार्य की विमा निकालते हैं। तो W की विमा निकालने के लिए हम लोग सूत्र जानते हैं, W बराबर F इंटू S। W बराबर F S फार्मूला होता है। लेकिन अब इसमें F की विमा पता होगी, उसके बाद ही तो पता कर पाएंगे हम लोग कार्य की विमा। तो चलो हम लोग पता करते हैं पहले किसकी विमा, बल की विमा। तो हम लोग जानते हैं सूत्र और होता है यह बराबर एम ए, यह बराबर यम इंटू ए। अब चलो यम फॉर मास, मास मीन्स द्रव्यमान। तो मास माने द्रव्यमान की बीमा जो होती है आप लोग जानते हो वो कैपिटल यम होती है। और जो त्वरण की बीमा होती है आप लोग को पहले पता है, त्वरण की बीमा जो होती है वो होती है एल टी माइनस टू। तो जो बल की बीमा आई वो एम एल टी माइनस टू। अब चलो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला पे अप्लाई करते हैं। तो W बराबर एफ एस लिखा है, अर्थात हम इसको कह सकते हैं बल की विमा हमारे पास आ गई एम एल टी माइनस टू। और उसके बाद हमारे पास यस, यस माने स्पेस, अर्थात हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट माने विस्थापन। तो विस्थापन की बीमा होती है L। तो बीमा हमारे पास आ गई, अगर इसको हम लोग संयोग करेंगे तो एम एल टू टी माइनस टू। तो जो कार्य की बीमा पता हुई, जो कार्य की बीमा पता हो गई वह है हमारा एम एल टू, एम एल टू टी माइनस टू। तो देखो अब कार्य की बीमा तो पता हो गई, अब हम लोग किसकी बीमा पता करेंगे, आवेश की। तो हम जानते हैं चूंकि क्यू बराबर एक फार्मूला होता है हमारा आई इंटू टी, क्यू बराबर आई इंटू टी। अब हम लोग बात करते हैं तो आई माने आप जानते हो आई किसका प्रतीक है, विद्युत धारा का प्रतीक है। टी फॉर टाइम, टाइम अर्थात समय का प्रतीक है। तो हम लोग क्यू की बीमा निकालेंगे, तो क्यू की बीमा अर्थात विद्युत धारा की बीमा, विद्युत धारा की बीमा होती है ए और समय की बीमा होती है टी। तो जो क्यू की बीमा आई वो आपका आ गया ए इंटू टी या ए टी।
क्योंकि बीमा जो पता हुई वो एडी पता हो गई। अब देखो कार्य की भी बीमा हम लोग पता कर लिए और आवेश की भी बीमा हम लोग पता कर लिए, तो हमको निकालना किसकी बीमा है हो कि, तो हम लोग हल करते हैं इसको। कार्य की जो बीमा आई है हम लोग निकाले थे एम एल टू टी माइनस टू होल अपान, आवेश की जो बीमा हम लोग निकाले हैं वो निकाले हैं ए टी। अब चलो इसका सरलीकरण करते हैं तो हमारे पास जो आएगा इसका आंसर, अब देखो एम एक है तो एम को नोट कर लेंगे, एल टू है एल टू को नोट कर लेंगे, अब टी पॉजिटिव है ऊपर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा तो टी माइनस थ्री हो जाएगा, अब ए पॉजिटिव है ऊपर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा तो ए इनवर्स। तो देखो बच्चों जो हमने ऊपर लिखा था वही बीमा आई कि नहीं, चेक करते हैं क्या लिखे थे हम एम एल टू टी माइनस थ्री ए इनवर्स, बीमा क्या निकाल लिया हम लोग एम एल टू टी माइनस थ्री ए इनवर्स। तो ये विद्युत विभव की बीमा निकालने का मेथड था, तरीका था। तो अगर ये बातें आपको समझ में आई हो तो हम लोग आगे चलते हैं, आगे क्या पढ़ेंगे हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, आगे हमको पढ़ना क्या है इस बात को समझ लेते हैं। अब हम लोग थोड़ा से विद्युत विभव के बारे में सीख चुके हैं, अब थोड़ा से हम लोग विभवांतर के बारे में सीखते हैं अर्थात पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में सीखते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा सीखते हैं क्या विभवांतर। पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग अब सीखते हैं विभवांतर। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का अर्थात क्या हुआ, अब ये परिभाषा बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि जैसे देखो परिभाषा क्या बनेगी इसकी, एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को किसी चालक के एक सिरे से, एकांक धनावेश को एकांक धनावेश को किसी चालक के किसी चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे विभवांतर कहते हैं। समझो किसे मान लेते हैं, ये हमारा एक चालक है जिसका नाम ए बी, एक चालक है जिसका नाम ए और बी है, तो मान लेते हैं इस पे जो विभव काम कर रहा है उसका नाम वी ए है और जो इस पर विभव कार्य कर रहा है उसका नाम वी बी है। मान लेते हैं इस पर उच्च विभव है और इस पर मान लेते हैं निम्न विभव है, तो हमेशा एक बात याद रखना कि जो विभव का प्रवाह होता है वह निम्न से उच्च की ओर होता है, माने जिस पर विभव का मान ज्यादा होगा उस ओर कम वाले विभव से आदान प्रदान होता है, अर्थात इस पर हमने ज्यादा मान लिया है और इस पर क्या मान लिया है कम मान लिया है, तो जो प्रवाह विभव का होगा वो बी से ए की ओर होगा अर्थात इस ओर होगा। तो अर्थात हम ये कह सकते हैं कि दोनों विभव के अंतर को, संक्षेप में अगर हम लोग बोलें कि दो विभव के अंतर को, विभव के अंतर को विभवांतर, विभव के अंतर को ही विभवांतर कहते हैं, अर्थात हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर इस पर वी ए विभव कार्य कर रहा है और इस पर जो कार्य कर रहा है वो वी बी कार्य कर रहा है, तो दोनों विभव का जब अंतर करेंगे तो जो आएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, विभवांतर बोलेंगे, या एकांक धनावेश को किसी चालक के एक सिरे से
दूसरे सिरे तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं? विभवांतर। तो अर्थात यहां से विभव को यहां तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा उसे क्या बोलेंगे? विभवांतर बोलेंगे। तो अर्थात जो हमारा फार्मूला अप्लाई होगा वो क्या बनेगा? वी ए माइनस वी बी इक्वल टू फार्मूला वही आपका डब्ल्यू अपान क्यू। अगर हम मान लेते हैं कि यहां पर परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश को यहां लाया गया, फिर इसको यहां से यहां लाया गया, अगर परीक्षण आवेश ही हम लोग मान लेते हैं तो यहां पर जो बनेगा वो क्या बनेगा? ये W अपान क्यू ही मान लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जो फार्मूला हमारा बनेगा वो क्या बनेगा? वी ए माइनस वी बी इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि विभव की भांति जिस प्रकार विभव एक अदिश राशि थी, उसी प्रकार विभवांतर भी कौन सी राशि होगा? अदिश राशि। क्यों? क्योंकि देखो विभवों के अंतर से क्या बना है? विभवांतर बना है। तो अगर विभव अदिश राशि है तो विभवांतर भी कौन सी राशि होगा? अदिश राशि होगा। जिस प्रकार विभव की बीमी सूत्र जो था, विभव की जो बीमा आई थी एम एल टू टी माइनस थ्री ए इनवर्स आई थी, उसी प्रकार विभवांतर की जो भी विभवांतर की भी जो बीमा आएगी वो आएगी एम एल टू टी माइनस थ्री ए इनवर्स। तो आज हम लोग विभव के बारे में सीखे और विभवांतर के बारे में सीखे। विभव और विभवांतर हमारा समाप्त हो गया है। अब हम लोग आगे की टॉपिक को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे अगले वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।